आकाश हेयर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आई नो आप लोगों का कल एचएस का एग्ज़ाम है, इसीलिए जो है एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं कोई एग्ज़ाम का कंटेंट तो नहीं देने वाला हूँ, बट एग्ज़ाम से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ बताने वाला हूँ आपको। बेस्ट विशेस देने थे इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आप लोग जो है अच्छे से कल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। कल आपका एग्ज़ाम है, इसके लिए मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोलता हूँ। ऐसे तो मैं हर वीडियो में ऑल द वेरी बेस्ट बोलता हूँ, बट ये आज का एक पूरा वीडियो ही इसके ऊपर डेडिकेटेड है। आज आप देखते होंगे कि ऊपर मेरे चैनल का नाम लिखा होता है इंग्लिश हिंदी विद आकाश साव, बट आज आप देख पा रहे हो कि वो चैनल जो है आज मैंने उसको हटा दिया है और ऑल द वेरी बेस्ट पूरा आप लोगों के लिए डेडिकेटेड प्लेस में डाल दिया हूँ। चैनल का नाम आज नहीं है, आप ऊपर में देख सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम है कल, आप बढ़िया से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो और अच्छे से एग्ज़ाम देने जाओ। मेरी यही कामना है, बेस्ट विशेष है कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से दो। ये आपके लाइफ के बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। अगर कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम बहुत लाइफ का पहला बड़ा एग्ज़ाम होता है, बट क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है वो लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। ये आपके लिए ये एग्ज़ाम अगर अच्छा चला गया, अच्छे मार्क्स आप ले आए, तो आगे चलकर आपको बहुत सुविधा मिलेगी, लाइफ सेट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो ये वीडियो में आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाने वाला हूँ, बस कुछ आपके साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा उसे ज़रूर देख जाने समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बेस्ट विशेस फ्रॉम आकाश साव, मेरे चैनल की तरफ से, मेरे चैनल और मेरी तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। देखो यार, कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ, इसको आप थोड़ा समझो। सबसे पहले तो मैं लास्ट में गोल्डन स्टेटमेंट भी दूंगा, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल शांत माइंड से आप एग्ज़ाम देने जाओ, एकदम शांत माइंड से एग्ज़ाम देने जाओ। ये मत सोचो एग्ज़ाम में क्या होगा नहीं होगा, इस पर आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जो करना था कर लिए, जो नहीं करना था वो नहीं किए, बट अब टाइम है आपको एग्ज़ाम देने का। सो आपको मैं एक ही सजेशन दूंगा, गिव योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप एग्ज़ाम अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप टॉप करने वाले हो, टॉपर स्टूडेंट, तो फिर भी आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन करने की आप कोशिश कीजिएगा। अगर आप कम पढ़ने वाले हो, मान लो अगर आप 50 भी पा रहे हैं, तो आप लास्ट मोमेंट पे 55 पाने का टारगेट बनाना एग्ज़ाम में। अगर आप 90 भी पा रहे हो तो 95 पाने का टारगेट बनाना। तो टारगेट हमेशा बढ़ाते जाओगे, इसी को कहा जाता है गिव योर बेस्ट। मीन्स ऐसा कसर मत छोड़ना कि यार ये चीज़ तो कर लेते तो हो जाता था, तो ऐसा कसर मत छोड़ना। आप सभी मतलब कर देना, जितना भी हो आप अपना बेस्ट देना। ये टाइम अब आपके पास आने वाली नहीं है, ये लास्ट टाइम है। आप एग्ज़ाम जो दे रहे हो वो कभी फिर देने का मौका नहीं मिलेगा। रिजल्ट को रिजल्ट बना लेना, कागज़ बनने मत देना। उसके बाद जो है सेट टी इक्वल टू जीरो, मीन्स ये फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है, टी मीन्स टाइम। हाँ, तो आप जैसे ही पहला एग्ज़ाम दोगे उस एग्ज़ाम को भूल जाना, देने के बाद एग्ज़ाम को भूल जाना कि मैंने कोई एग्ज़ाम भी दिया था। अगर एग्ज़ाम जो ख़राब हो गया, अगर ख़राब हो गया, मैं नहीं चाहता हूँ आपका एग्ज़ाम ख़राब हो, मैं चाहता हूँ आप टॉप कीजिए, बट अगर आपका एग्ज़ाम कुछ ख़राब हो जाता है, किसी भी वजह से ख़राब हो जाता है, हो सकता है आपका लक साथ नहीं दिया हो, हो सकता है आपने मेहनत नहीं किया हो, हो सकता है आपको आ रहे थे बट टाइम कम पड़ गया हो, तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर एग्ज़ाम आपका ख़राब गया तो आप उसको याद मत कीजिए, भूल जाइए और टी इक्वल टू जीरो याद कीजिए। और आप समझिए कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम अब शुरू होने वाला है। जो एग्ज़ाम आपने ख़राब कर दिया उसको ख़राब होने दीजिए, अब उसे आप सुधार नहीं सकते हो, उसे आप फिर से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। आपका जो आने वाला एग्ज़ाम से उसको बढ़िया करो, नहीं तो इसको सोचोगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो यही बताना था, जो एग्ज़ाम आप दे दोगे उसको आप भूल ही जाना। उसके बाद जो है कि मेंटेन योर रूटीन, जो आपका रूटीन है एग्ज़ाम टाइम में उसी को फॉलो करना, कुछ नया मत करने लगना, दिन रात पढ़ने मत लगना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। जैसा डेली लाइफ का रूटीन है वैसा लाइफ, वैसा ही टाइम आपको एग्ज़ाम के टाइम में भी रखना है। और कोशिश कीजिए कि आप 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में सुबह में जो है 10 AM से लेकर 2 PM तक सोए नहीं, गैप के बीच में जब छुट्टी मिले तो आप उसमें सोए नहीं,
क्योंकि आपका ये एग्जाम का टाइमिंग है, अगर आप इसमें सो जाओगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको नींद तो नहीं आएगी बट आपका ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देगा। और एक और भी टिप्स मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप हर एग्जाम से पहले 2 घंटा आप अकेले में घूमना टहलना चुपचाप से, कोई म्यूजिक मत सुनना, मोबाइल तो यूज ही मत करना, किसी के साथ बात मत करना, कॉपी भी मत लिए रहना, कुछ मत करना, सिर्फ 2 घंटे तक आराम से 1 घंटे 2 घंटे टहलना। इससे क्या होगा कि रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी, एग्जाम जितना ब्रेन शांत होता है उतना जो है रिकॉलिंग पावर बढ़ता है। और अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएँ तो फोकस इसको ध्यान रखें कि आप किसी से बात ना करें, क्योंकि आप जितना इधर उधर की बातों करिएगा उतना आपका ब्रेन डाइवर्ट हो जाएगा, जो नहीं पढ़े होते वो आपका दिमाग ख़राब करेंगे, वहाँ पर कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करना है। पेपर भी ख़त्म हो जाए तो उस पेपर को लेकर चर्चा मत करो, पेपर इजी था हार्ड था उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो एग्ज़ाम आप दे चुके हो वो एग्ज़ाम दे चुके हो, वो चाहे हार्ड था तो इजी, अगर वो इजी था तो सबके लिए इजी था, अगर वो हार्ड था तो सबके लिए हार्ड होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही लोग के लिए वो एग्ज़ाम जो है हार्ड है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो आप हमेशा जाएं, किसी से बात ना करें, डायरेक्ट अपने एग्जामिनेशन सेंटर में घड़ी लेकर जाएं, टाइम पहले से फिक्स करें कि ये क्वेश्चन इतना टाइम पे करना है, वो क्वेश्चन इतना टाइम पे करना है, ऐसे करके एग्ज़ाम दें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है एक बताना चाह रहा हूँ कि जो देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 60% कम है, 90% ज़्यादा है। जो 90% है बोर्ड के व्यू से देखा जाए तो ये टॉपर कहलाएगा, ये लो कहलाएगा, बट अगर लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 60% ग्रेटर और इक्वल टू 90% है। हो सकता है 60% 90% दोनों इक्वल है लाइफ के व्यू से देखा जाए, या 60% ही ज़्यादा हो गए। ऐसा नहीं है कि जो 90% पाएगा वही लाइफ में कुछ करेगा, जो 60% पाएगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बोर्ड्स में जो टॉप करता है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा काम करे, बहुत से लोग हैं जो 90% पाकर भी बहुत लो काम कर रहे हैं, और जो 60% क्या जो फेल हो चुके हैं वो आज कंपनी के मालिक है। जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी जी का, जिन्होंने 10वीं कक्षा भी नहीं पढ़ा है, तो आप तो बहुत लकी हो कि आप तो 12वीं कक्षा का बोर्ड्स का 10वीं का 12वीं का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप तो बहुत ही लकी हो। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम इज पार्ट ऑफ योर लाइफ बट नॉट योर लाइफ। एग्ज़ाम जो है आपकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण पड़ाव है, इससे होकर आपको आगे बढ़ना है, बट वो जो है आपकी ज़िंदगी का पड़ाव नहीं, ज़िंदगी नहीं है कि अगर मेरा बोर्ड्स ख़राब हो गया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ऐसे कोई चिंता मत कीजिए, आप अपना सिर्फ बेस्ट दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपका सारा पॉइंट अच्छे हो जाएगा, अगर आप बेस्ट दे रहे हो तो ठीक है, अगर आप अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो कि नहीं मेरे आखिरी 3 घंटा में आखिरी मिनट आखिरी सेकेंड तक अपना मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो आपका हर एक पॉइंट अच्छा जाने वाला है। डरना बिल्कुल नहीं है, डरना मना है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, डरना मना है। यार आप लोग तो क्रिकेट फुटबॉल खेलने ही जाते होगे, जैसे हुआ क्रिकेट और फुटबॉल तो खेलने जाते होगे, तो क्या पहले से मान लो अगर इसमें आप टारगेट बना के गए यार मैं तो इसमें सेंचुरी मारूंगा, इसमें टारगेट बना यार मैं तो 10 गोल्स मारूंगा, अगर मान लो 10 गोल्स नहीं मार पाए, अगर सेंचुरी नहीं मार पाए तो क्या उदास होते हो, डिप्रेस होते हो, क्रिकेट खेलना छोड़ देते हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं करते हो, तो फिर एग्ज़ाम में क्यों इतना डर जाते हो कि पास नहीं हुआ तो क्या होगा, अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इस पर आप फोकस मत करो। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड है जो 10 में कम नंबर लाए थे, जैसे मान लो उस 10 में किसी का था 50%, बट वो 12 में आकर 80% ले आ दे रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस भी बहुत होते हैं, तो ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। जैसे आप सेंचुरी मारने का सोचते हो, अगर नहीं लगता है तो क्या होता है, उदास नहीं होते हो यार, ठीक है सेंचुरी नहीं लगा कोई गम नहीं है, क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ रहे, तो यार इसी तरह से बोर्ड्स का एग्ज़ाम भी है, उसमें डरो मत, क्या होगा नहीं होगा जो होगा देखा जाएगा, बस आप अपना बेस्ट फॉलो कीजिए। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज है, आप उसे भी ज़रूर देखें, प्रेजेंटेशन वीडियो है, व्याख्यामूलक प्रश्न कैसे लिखना, बहुत सारे वीडियोज है, टॉपर लोग पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, अगर वो सब आपको टिप्स टेक्निक्स जानने हैं तो आप वीडियो को देखें। और आज के लिए इतना ही, आई एम विशिंग यू अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर बीच में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो,
मैं आपको नंबर दे देता हूँ यहाँ पर 6290912977, इस पर आप कॉल करोगे और डायरेक्ट बोल आप बता देना कि आप कुछ स्टूडेंट हो, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, ये मेरा नंबर है। अगर कोई डिप्रेशन लगे, कुछ समझ ना आए कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर रेडी हूँ आपका हेल्प करने के लिए। तो चलिए यार, आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग अपना एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़े, आई एम अगेन मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। ये जो विक्ट्री का साइन है उसे लेकर आना है, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।